ये सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच की घटना है, जिसमें जो हमारे क्रिकेटर हैं श्री ऋषभ पंत जी, उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें उन्हें कुछ चोटें आई हैं। एहतियातन उन्हें सक्षम हॉस्पिटल लेके आया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनका इलाज किया गया है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें मैक्स हॉस्पिटल देहरादून रेफ़र किया गया है। ठीक है, उन्हीं ने उसे जानकारी मिली कि शायद उन्हें कुछ झपकी आई या क्या हुआ, डिवाइडर से गाड़ी टकराई, जिसके कारण गाड़ी में आग लग गई थी। ये रुड़की से मंगलौर के मध्य। ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवेल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवेल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन उसके बाद दे सकते हैं। क्या बात हुई, कुछ बताया, कॉन्शियस हैं क्या कुछ है? जी, अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो इवेल्यूएशन भी कर रही है। तो अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेशन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन, उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा इवेल्यूएशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है, अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख रही है। सर, क्या यहाँ से हायर सेंटर रेफर करने का कुछ है अभी तक, ऐसा कोई आइडिया? यही होगा सारा इलाज, एक बार इवेल्यूएशन पूरा हो जाए उसके बाद ही हम कुछ आगे बता